वैक्सीन की बात का? हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही है, ये है करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो। ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये है करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है, मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर ये बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फख्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है? माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया।